नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें आज हम अपना दिखाने वाले हैं म्यूजिक स्टूडियो। और ये म्यूजिक स्टूडियो मैंने खास करके यूट्यूब वीडियो के लिए बनवाया है, और इसमें जितना भी पैसा मैंने खर्च किया है टोटली यूट्यूब का पैसा खर्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अपना म्यूजिक स्टूडियो, और ये म्यूजिक स्टूडियो देखने में कैसा है सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और मैं इस समय जो खड़ा हूँ अपने छत पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, काफ़ी मस्त लगता है हमारी छत पे यहाँ पे भी। और वहाँ पे मेरा घर है, देखिए वहाँ पे स्टूडियो मेरा है। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं म्यूजिक स्टूडियो में और दिखाएंगे कि किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। हालांकि अभी काम चल रहा है, लेकिन जितना भी स्टूडियो बनेगा बेहतरीन बनेगा, और इसमें जितने भी गाने रिकॉर्ड होंगे वो आप लोगों के सामने आएंगे, और किस तरह की आवाज़ इसमें आती है सब कुछ आपको लाइव दिखाऊँगा। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं स्टूडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बांध रखी है रस्सी कपड़े सुखाने के लिए, और आगे आप देख सकते हो ये डोर लगा हुआ है। अब यहाँ पर आ चुका हूँ अपने घर के अंदर, और ये है मेन डोर स्टूडियो का। जैसे ही इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हो ये मेरा म्यूजिक स्टूडियो है। दोस्तों ये जो एकॉस्टिक फार्म मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं हमारी आवाज़ को इको से रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने यूज किया हुआ है ये केवल मैं मतलब जो है काफ़ी अच्छा लुक आए इस वजह से यूज किया है। ये जितना भी एकॉस्टिक फार्म आप देख रहे हो अंदर के लिए जितना भी यूज होना था, मैं 8 बैग इसके जो है ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट में किसी कारणवश यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। केवल एक ये नमूना के लिए मैं मंगवाया था, तो ये एक होने की वजह से मैंने इसको जो है ऊपर वाल पे फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे दीवार की खूबसूरती के लिए मैंने चारों तरफ यहाँ पे वॉलपेपर लगा रखे हैं, आप देख सकते हो। हालांकि काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे वायर वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, और इधर भी मैंने वॉलपेपर यूज किए हैं ये देखिए। और अंदर आने पर हम आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देखिए हम अंदर आ चुके हैं और आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो सब टोटल फार्म लगा हुआ है, चारों तरफ फार्म लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे अभी शीशा जो लगना है ये शीशा नहीं लगा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं दीवार के उधर भी हाथ कर रहा हूँ तो शीशा नहीं लगा इसमें, और ऊपर वहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर दीवार में भी अभी फार्म नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से आवाज़ में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर पल्ला भी लगने को है, तो ये जब फिट हो जाएगा तो ये पूरी तरह से स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे अपनी मशीन वगैरह जो कुछ भी, कंप्यूटर वगैरह जो कुछ भी होता है मिक्सिंग के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे रखेंगे। और जितने भी वीडियो बनाएंगे वो केवल यूट्यूब के लिए ही होंगे, और उन सबको यूट्यूब पे ही हम अपलोड करेंगे। और जो लोग हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अगर सिंगिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर टोटल मेरा सिस्टम आप जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो होंगे उन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। अब आपको थोड़ा सा और सिस्टम दिखा देता हूं, ऊपर आ ही गए हो तो यहां पे देखिए ये मेरा एक स्टोर रूम है जिसमें मैं अपने शूटिंग का सामान रखूँगा। अब लाइट चली गई है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी मैं आपको ये देखिए लाइट आ गई है, और कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सब कुछ डिजाइन कर रखा है। अब यहाँ पे भी खूबसूरती के लिए गमले वगैरह रख दिए हैं, और ये सब कुछ ऊपर मैंने घर के ऊपर बनवाया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारा कुछ आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।